प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं से स्थापित किया सीधा संवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में लिया भाग, कहा आयुष्मान भारत योजना में उत्तराखंड ने किया अच्छा काम। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि 59 मिनट में व्यापारियों को मिलेगा 1 करोड़ तक का लोन, पीलीभीत की समस्याओं के समाधान की कही बात। ।2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के मंत्री ने जिले के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जाना हाल, कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के बताए गुर। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से देश के कई भागों के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ पर कैसे काम किया है उसकी जानकारी ली और अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। आज उन्होंने प्रदेश के बुलंदशहर के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करके 2019 के चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया। भारत में कभी पोटेंशियल की कमी नहीं रही है और अब वह पोटेंशियल परफॉर्मेंस में परिवर्तित हुआ है, जिससे देश प्रोग्रेस कर रहा है और इसलिए अब एक वर्चुअस साइकिल की शुरुआत हुई है। पोटेंशियल परफॉर्मेंस प्रोग्रेस और फिर हायर पोटेंशियल बेटर परफॉर्मेंस मोर प्रोग्रेस। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% कवरेज देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में 36 अस्पतालों में कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जा चुकी हैं। उनमें टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, टेलीकार्डियोलॉजी और इसके अतिरिक्त ई रक्तकोश, ई रजिस्ट्रेशन और ई मेडिसिन की भी फैसिलिटीज उपलब्ध है। मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये बात साझा की कि आयुष्मान भारत योजना में राज्य के सभी परिवार अर्थात उनका 100% कवरेज करने का निर्णय लिया गया है और ये एक मैं समझता हूं कि शायद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर इस प्रकार की योजना में 100% कवरेज का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि ऋषिकेश एम्स के जरिए लोगों को बेहतरीन और सस्ता इलाज मुहैया कराया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश हैज बीन डेवलपिंग एट रैपिड पेस। ओपीडी कंसल्टेशंस कमेंस्ड इन 2013 एंड नाउ मोर देन 4000 पेशेंट्स आर बीइंग अटेंडेड एवरी डे। इंडोर पेशेंट सर्विसेज वर स्टार्टेड विद 200 बेडेड हॉस्पिटल ऑन 30th दिसंबर 2013 एंड नाउ द बेड कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट 900 विद मोर देन 80% बेड्स बीइंग फुल एट एनी टाइम। एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार में 2 दिवसीय ज्ञान कुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज केंद्र और राज्यों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया समन्वय स्थापित हो रहा है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के तीन मुख्य स्तंभ होते हैं, शिक्षक, प्रबंधन तथा विद्यार्थी। स्वामी रामदेव जी का योगदान अभूतपूर्व है। योग की अब तक अवधारणा के अनुसार सामान्य गृहस्थ जीवन बातें बिताने वाले लोगों के लिए योग का अभ्यास प्रायः असंभव था, लेकिन स्वामी रामदेव जी के प्रयासों से इस अवधारणा का जो मिथक था वो टूट गया। आज भारत और विश्व में योग को घर घर अपनाया जा रहा है। घर घर तक एलपीजी गैस सिलेंडर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके लिए नई दिल्ली में तीन पेट्रोलियम कंपनियों, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक करार किया है। देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर के 3 लाख से अधिक केंद्र हैं जहां से घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश के दूरदराज के इलाकों में आसानी से लोगों के घर तक सुविधा मिलेगी। अब लोग कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपनी गैस की बुकिंग भी करा सकेंगे। सीएससी को काम हमने दिया, जितने भी नए एलपीजी कनेक्शन लगेंगे सीएससी के साथ हमारी एक व्यावसायिक चुक्ति हुई, 20 रुपया पर कनेक्शन, नो योर कस्टमर फॉर्म को, केवाईसी फॉर्म को भरने के लिए सीएससी उस काम को, सीएससी के पास टेक्नोलॉजी है, हमारी विंडो और उनकी विंडो में मेल मिलाप हो गया है, दोनों की सर्वर बात करना शुरू कर दिए हैं। इसके कारण हम सीएससी की विंडो पे अगर हमारी एलपीजी नया कनेक्शन खरीदते हैं तो हमारी सर्वर तक आ जाएगी और उसको कनेक्शन कॉम्प्लेंस हो जाएगा। ये बड़ा काम हमने किया है। अभी हम लोग देश की कम से कम हमारी जो 22,000 की कैपेसिटी थी, ये संख्या बढ़ के बुकिंग की सीधा सीधा एक झटके में आज हमारी 2 राज्यों में पायलट शुरू होगा, लेकिन 1-2 महीने के अंदर ये देश की, मैं तो अपेक्षा रखूंगा, 1 लाख सीएससी सेंटर में ये बुकिंग मैकेनिज्म नेटवर्क हो जाए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भदोही में कहा कि देश आर्थिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लोगों को अधिकतम रोजगार देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कालीन और हस्तकला उत्पादों में 1,36,000 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। जिन कारोबारियों के पास आर्थिक दिक्कतें थीं उनका समाधान किया गया है, जिससे इस उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके। आज एमएसएमई क्षेत्र के लिए, लघु और मध्यम उद्योग के लिए दीपावली जैसा दिन और दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 सौगातें दी गई हैं। उसमें से विशेष रूप से एक महिला होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि महिला उद्यमी के लिए हमारे पोर्टल पर 3% उनसे जो खरीदारी की जाएगी उसको आरक्षित किया गया है। देश भर में हब एंड स्पोक मॉडल के स्थित रहे, उन्होंने भी हर्षोल्लास से प्रधानमंत्री जी की इंटरेस्ट सबवेंशन की घोषणा का स्वागत किया। 4 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत आईं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि अब छोटे व्यापारियों को भी 59 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा और बैंकों के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। दौरे के पहले दिन मेनका गांधी व्यापार भवन पहुंची और उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार व्यापारियों के साथ है। वहीं व्यापारियों ने भी अपनी व्यापार में होने वाली समस्याओं को मेनका गांधी के सामने रखा। श्रीमती गांधी ने जल्दी पीलीभीत से ट्रेन का संचालन दिल्ली तक कराने और नया माल गोदाम बनाने का भरोसा दिलाया। कल चंदौली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद डॉ. महेंद्रनाथ पांडे ने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर वर्ष 2019 के चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। पूरे राज्य में एक एक मंत्री को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के बीच जाकर तैयारियों का जायजा लें। इस क्रम में प्रदेश के कई जिलों में मंत्रियों ने दौरा करके कार्यकर्ताओं का हाल जाना और उनकी तैयारियों का जायजा लिया। कल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में रेलवे पर बनाए जाने वाले 8 ओवरब्रिजों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंदौली जनपद के 8 स्थानों पर
रेलवे लाइन के ऊपर बनाए जाने वाले इन ओवर ब्रिजों की कुल लागत 400 करोड़ रुपए होगी, जिन्हें 18 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। ये सभी ओवर ब्रिज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बनवाए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सेतु निगम की भी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन पर इन ओवर ब्रिजों के बन जाने के बाद आम लोगों को रेलवे फाटक बंद होने की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। इससे 400 करोड़ की परियोजना है। आज जब DFCC की रेगुलर ट्रेन और मालगाड़ियां चलेंगी, उससे इन पुलों से जनता को बेहतर आवागमन मिलेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, समय बचेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कार्यकर्ताओं के बीच बदायूं पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता विकास के नाम पर भाजपा को वोट देगी और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की बैठकें चलती रहेंगी। देखिए, विकास के मुद्दे पर 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता था, 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी विकास के मुद्दे पर जीता था। देश के तमाम प्रदेशों में हम चुनाव विकास के मुद्दे पर जीते हैं और विकास के ही मुद्दे पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने आज उन्नाव में कार्यकर्ताओं के बीच जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं उसका जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राम मंदिर मामले में उन्होंने कहा कि फैसला जल्दी आता है तो अच्छा रहता। गन्ना मिलों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मिलों को चालू कराया जा रहा है और किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं और मात्र 1.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में लगने लगा है कि सरकार का परिवर्तन क्या होता है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बहनों का सम्मान हो, तमाम विषय में उत्तर प्रदेश की छवि देश में बहुत तेजी के साथ निखरी है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की छवि पूरी दुनिया में निखरी है। राम मंदिर, राम जी हमारी आस्था का विषय है और करोड़ों भारतीय और देश और दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोग, तमाम लोग चाहते हैं कि वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बने, लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में है इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना, ये विषय कोर्ट में है, लेकिन ये जरूर है कि कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार निर्णय हुआ था कि त्वरित सुनवाई होगी तो लोगों के अंदर बड़ा उत्साह का संचार हुआ था, लेकिन इस निर्णय के बाद कि थोड़ा सुनवाई में विलंब है तो लोगों को निराशा जरूर हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला आएगा और सकारात्मक फैसला आएगा और तमाम चीजें, लोगों का मन है, लोगों की इच्छा है, आस्था का विषय है और राम मंदिर आस्था का विषय है, तो ये राजनीति का विषय होने से। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि यूपी ATS के द्वारा मियामी एयरपोर्ट पर हमले की धमकी देने वाले जालौन के युवक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में आज प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इस युवक ने अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। हम लोगों ने कल एक लड़के को डिटेन किया और हमें ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से एक सूचना मिली, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि एक आदमी मियामी एयरपोर्ट को थ्रेटन कर रहा है अपने कॉल्स के द्वारा और वो AK-47 और ग्रेनेड के माध्यम से उस पर हमला करने की धमकी दे रहा है। ये इनपुट NIA के द्वारा यूपी पुलिस को मिला और यूपी ATS ने उस पर कार्रवाई की और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कई बार इस तरह के कॉल्स किए गए जो अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगभग 5 बार ये कॉल किया गया। हमारी ATS की जो टीम है उसने इसको डेवलप किया और IP एड्रेस के आधार पर हमने इस व्यक्ति को लोकेट किया और उसने स्वयं, जब उसको डिटेन किया गया तो उसने स्वयं एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने इस तरह का काम किया है। श्री सिंह ने कहा कि लोग सोशल मीडिया के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र के इस युवक ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, ये लोगों के लिए सोचने की बात है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को अकेले में कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने दें और सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से भी दोस्ती न करने दें और ई बैंकिंग संबंधित लेन देन स्वयं करें, बच्चों को न करने दें।
माता पिता का क्या रोल रहेगा, टीचर्स का क्या रोल रहेगा और शैक्षणिक संस्थानों का क्या रोल रहेगा, इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। संभवतः मेरे द्वारा पुनः इन लोगों को बुलाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि सभी प्रिंसिपल्स की मैं मीटिंग फिर से बुलाऊँ और उनको इस तरह के केस स्टडीज़ के बारे में बताऊँ, ताकि बच्चों को अकेले में कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का प्रयोग किस प्रकार करने दिया जाए, इस पर हम चर्चा कर सकें। स्क्रीन को छुपाकर हम प्रयोग न करने दें, इस बात पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में जो हमारे खराब खराब चीज़ें हो रही हैं, उसको हम कैसे वो करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ई कॉमर्स और बैंक ट्रांजैक्शंस जो है वो देखिए, ये बच्चा जो है $70,000 का बिना किसी माँ बाप के परमिशन के, संभवतः उसके पिता ने उसको दिया होगा, लेकिन ये आप सोच लीजिए कि पेरेंटल कंट्रोल और पेरेंटल गाइडेंस हमारा कितना ख़त्म हो गया है। और उसके आधार पे एक 18 साल 3 महीने का लड़का अपने फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, हम तो यहाँ से पटना एयरपोर्ट और बम्बई एयरपोर्ट को फ़ोन करने में हिचकिचाते हैं, और इसने मियामी एयरपोर्ट को इसने किया, FBI के साथ इस कितनी बार बात किया। सो लुक एट द वे ही इज़ कंडक्टिंग हिमसेल्फ। दिवाली जहां खुशियों का त्यौहार है, वहीं कई बार जरा सी लापरवाही इन खुशियों को गमगीन बना देती है। पटाखों से मिली खुशी आंसुओं की वजह न बन जाए, इसलिए हमें बेहद सावधानी से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे पटाखों के उपयोग को मंजूरी दी है, जिसका स्वागत हर व्यक्ति कर रहा है। पटाखों से निकला धुआं न सिर्फ हमारे वातावरण को दूषित बनाता है, बल्कि पटाखों से निकलने वाला रसायन हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट करता है। प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर काबू पाया जाए, उसे कम किया जा सके, और इसकी वजह से जो समाज पर और अस्पतालों पर जो बोझ बढ़ रहा है, जो दबाव बढ़ रहा है मरीजों का, संख्या का, उसको हम लोग कम कर सके। बरेली में आज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया गया। नवंबर से लेकर जनवरी तक कार्यकर्ताओं को जनता के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की तैयारियों में है, इसलिए कार्यकर्ता हर बूथ को चुनावी लिहाज से मजबूत करें। इस प्रकार से ये वास्तव में पार्टी जिस प्रकार से संगठन को और सक्रियता के स्वरूप देने के लिए और बूथ स्तर तक हमारे पार्टी कार्यकर्ता अंदर तक जाएं और हर मतदाता से मिलने का काम करें, आज इस विशेष प्रक्रिया को लेकर हम सब सारे क्षेत्र हर लोकसभा क्षेत्र की मीटिंगें कर रहे हैं। लाभार्थियों के तक पहुंचने का काम किया है चौपालों के माध्यम से, अन्य माध्यम से। हम जो पदयात्रा कर रहे हैं वो केवल पदयात्रा नहीं है, लाभार्थियों से हमको मिलना, संपर्क करना, उनसे संपर्क करना, साथ में जो ऐसे पात्रता की श्रेणी में आ सकते हैं उनकी भी चढ़ना, इसलिए गांव घर घर जाकर के हम संपर्क करेंगे और उनके लिए वंचित लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और जो जिनको लाभ मिला है उनसे भी हम संपर्क करेंगे। सीतापुर में स्कूली बच्चों के बीच मीजल्स रूबेला कैंपेन की शुरुआत की गई है। जनपद में 26 नवंबर 2018 से बच्चों के टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। इसमें जनपद के सभी स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 9 से 15 महीने तक के बच्चों का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इस टीकाकरण के लिए विशेषज्ञों का दल लगाया गया है और मॉनिटरिंग अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, जिनकी देखरेख में ये अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। इस टीकाकरण का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और ये टीका गंभीर बीमारियों से बचाव करेगा। अपने सीतापुर में 26 नवंबर से मिजिल्स रूबेला अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को मिजिल्स रूबेला का टीकाकरण होगा और उसी से संबंधित ये सेक्रेट हार्ट में हम लोगों ने मिजिल्स रूबेला का ह्यूमन चेन और लोगो बच्चों से बनवाया है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने PTM की डेट रखी है वो 10 नवंबर रखी है और 8 दिसंबर को यहाँ पे हम लोग टीकाकरण करेंगे। नेपाल की तराई में आदिवासी जातियों की बड़ी संख्या है, जिनमें गोरखपुर से लेकर गोंडा, बहराइच, लखीमपुर के जंगलों में ये पाए जाती हैं। देश ने भले ही आज़ादी का सूरज देखा हो, लेकिन जंगलों की इन बस्तियों में अभी भी विकास की किरणें इस तरह नहीं पहुंची जैसे पहुंचनी चाहिए।
सैकड़ों वर्षों से घुमक्कड़ जिंदगी जीते हुए इस जाति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेम और स्नेह ने विकास के रास्ते दिए हैं। दीपावली योगी आदित्यनाथ सांसद रहते हुए भी इन्हीं वन टांगिया आदिवासी गांवों में मनाते थे। भले ही ये गोंडा के जंगलों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इन तक विकास अब पहुंचने लगा है। इनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोट देने के अधिकार सहित पीएम आवास, शौचालय, सड़क, विद्युतीकरण जैसी सुविधाएं मिलने से मुख्य धारा में आने की इनकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। मनकापुर तहसील के अंतर्गत अशरफाबाद, कटहर, बुटहनी, मणिपुर, रामगढ़ चार गांवों के 124 परिवारों को 18 मई को मुख्यमंत्री ने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 82 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इन आदिवासी गांवों में कृषि भूमि के पट्टे दिए गए हैं, आवास के लिए पट्टे दिए गए हैं, सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इससे एक उम्मीद की किरण जगी है कि आने वाले समय में ये आदिवासी विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे। ऐसा है कि शौचालय मिल गए, राशन कार्ड मिले, लाग आवास मिल गए, सब सुविधा मिल गए साहब। हमको शौचालय भी बन गया है, आवास भी चालू हो गया है, आईडी कार्ड बन गया है और राशन कार्ड बन गया है, राशन भी मिल रहा है, बिजली भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना वादा मुख्यमंत्री जी किए हैं वो सारी वादा उनकी पक्का पूरी है। अच्छा। अब राशन कार्ड मिल गया, वोटर लिस्ट में नाम हो गए, ओकरे बाद में आवास शौचालय पाए, शौचालय तैयार के हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो कहे थे कि तुम लोगों को आवास मिलेगा, लेटरिन मिलेगा, रास्ता मिलेगा और जो तुम लोगों के ऊपर केस है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब सारी व्यवस्थाएं तो मिली, बिजली मिली, आधार कार्ड बने, पैन कार्ड बने, राशन कार्ड बने, सब कुछ ओके हो गया। लेकिन यहाँ पर केवल दो तीन चीज की बहुत बड़ी समस्या है। एक, पहला नंबर केस का समस्या बहुत बड़ा है, दूसरा नंबर यहाँ पर रोड नहीं है। पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में आज दूसरे दिन भी रुक रुक कर बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी से जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केलन में अब तक 1 फुट, कोकसर में 1.5 फुट, जबकि रोहतांग दर्रे पर 2 फुट से अधिक हिमपात हुआ है, जिससे घाटी में शीतलहर बढ़ गई है और लाहौल घाटी में बिजली गुल है, जिससे अधिकतर हिस्सों में संचार सेवाएं भी चरमरा गई हैं। वहीं रोहतांग दर्रा बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ के करियप्पा परेड ग्राउंड पर शुक्रवार को आयोजित राजपूत सेना के पुनर्मिलन समारोह में सैकड़ों की संख्या में आए पूर्व और वर्तमान सैनिकों ने अपने विचार साझा किए। समारोह में पधारे राजपूत सेना के चीफ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हमारी सेना विश्व की सबसे बड़ी और अनुशासित सेनाओं में से एक है। विदेशी फौजों के साथ संयुक्त अभ्यास हमें उनके साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। राजपूत सेना के जवानों ने अपने मेहमानों के सम्मुख ड्रिल का बेहतरीन प्रदर्शन करके उनको तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग आपस में भाईचारा बनाते हैं, तो उसमें अगर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस भी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे कई सारे आर्मीज हैं जो कि हमसे भी कमजोर हैं। और आज जैसे आपको पता है इंडियन आर्मी पूरे विश्व में सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी माना जाता है, तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी का कोई ये नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली इन्फेंट्री टैक्टिक्स हम जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं या CICT के ऑपरेशन में जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं। नोएडा NCR में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल CNG वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ARTO ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल, CNG और LPG से चलने वाले वाहनों की सूची तैयार की है, जिसके अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों से 53,000 डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन बाहर किए जाने हैं। परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन की 3 टीमों के साथ चेकिंग के दौरान 4 वाहनों को जब्त किया। साथ ही विभाग ने पेट्रोल और डीजल और CNG वाहनों की भी जानकारी दी जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसे करीब 53,000 वाहन हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो अपने 10 साल और माननीय उच्चतम न्यायालय एवं NGT के आदेशों के अनुपालन में
हमने किया है और जो अपनी आय सीमा पूर्ण कर चुके हैं उनको हमने 12/9/2018 को पूर्व में ही मैंने नोटिस दिया है कि वो लोग अपने वाहन या तो अगर कट चुके हैं तो हमारे यहाँ उसकी रिपोर्ट कर दें, अन्यथा अगर कहीं अन्य जनपद में ले जाना चाहते हैं, अन्य प्रांत में ले जाना चाहते हैं तो हम एनओसी दे रहे हैं, वो लेके चले जाए। अब उनको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में कल हमारे यहाँ 2 प्रबंधकों से सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में हमने चेकिंग कराई है जिसमें 4 वाहन पाए गए हैं जिनको जब्त कर लिया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।